दोस्तों, गैंग और गैंगस्टर्स की दुनिया हमेशा खतरों से भरी होती है। उसे सुकून की जिंदगी ना के बराबर ही मिल पाती है, लेकिन फिर कुछ ऐसे गैंगस्टर्स भी होते हैं जिन्हें ये सब खैरात में मिल जाता है, वो भी पूरी पुलिस व्यवस्था के साथ, और ऐसा करने की इजाज़त देता है हमारा कानून। तो दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि हरियाणा का हिस्ट्री शीटर काला जठेड़ी और राजस्थान की लेडी डॉन मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejodjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी शादी करने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली की द्वारका कोर्ट से जठेड़ी को कस्टडी पैरोल मिली है, यानी कि इस पैरोल के दौरान पुलिस उसके साथ हर वक्त रहेगी। काला जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का मेंबर है और फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वह 12 मार्च 2024 को जेल से बाहर आकर दिल्ली में शादी करेगा। उसके बाद 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए उसे 6 घंटे की कस्टडी पैरोल भी मिलेगी। उसकी शादी लेडी डॉन के नाम से मशहूर मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी से हो रही है। इस दौरान वह दिल्ली और हरियाणा पुलिस के घेरे में रहेगा। इस शादी में गैंगवॉर के खतरे को देखते हुए किसी भी बाहरी गेस्ट को अलाउ नहीं किया गया है और इसीलिए इस शादी में पुलिस के लोग ही बाराती बनकर रहेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन की कोर्ट ने अधिकारियों को 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच काला जठेड़ी को शादी के लिए जेल से हिरासत में लेने को कहा है। उसकी शादी को लेकर दिल्ली पुलिस सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी। वहीं 13 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे गृह प्रवेश के लिए उसे सोनीपत जिले के जठेड़ी गाँव में जाने की इजाजत दी गई है। इस शादी के लिए कोर्ट में सालों से बहस की जा रही थी, जिसमें काला जठेड़ी के वकील ने कहा कि विवाह के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। दोनों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार वयस्कता के आयु के हैं। ऐसे में शादी से इनकार करने से पूर्वाग्रह पैदा होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। वकील ने यह भी कहा कि विवाह एक सामाजिक दायित्व है और अभियुक्त अपना परिवार बढ़ाना चाहता है, वह समाज में बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीना चाहता है। अभियुक्त के माता पिता भी बुढ़ापे की बीमारियों से पीड़ित है और पिछले साल उनकी सर्जरी हुई है। माँ की देखभाल के लिए घर में कोई नहीं है क्योंकि उसके पिता भी बिस्तर पर पड़े हुए हैं। अभी फिलहाल काला जठेड़ी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 30 से ज्यादा मामले दर्ज है। इनमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, हत्या का प्रयास जैसे मामले शामिल है। काला जठेड़ी को 30 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया हुआ है। हम आपको बताते चलें कि काला जठेड़ी को लॉरेंस बिश्नोई का खास माना जाता है। वह हरियाणा में सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का रहने वाला है। लंबे समय से अपराध जगत से जुड़े संदीप उर्फ काला जठेड़ी पर पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले 7 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी। हालांकि उसे स्पेशल सेल ने ही गिरफ्तार किया था। फरारी के दौरान उसने ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को संभाला हुआ था। दिल्ली समेत 4 राज्यों में इस गैंग का वर्चस्व देखने को मिलता है। काला जठेड़ी गैंग हरियाणा में सोनीपत, झज्जर, रोहतक और दिल्ली में सबसे ज्यादा सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी की मुलाकात जेल में ही हुई थी। वैसे हमने आपको काला जठेड़ी की पूरी कहानी को विस्तार से सुना दिया है, जिसे आप इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम अगर दुल्हन बन रही मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी की बात करें तो यह उसकी पहली शादी नहीं बल्कि दूसरी शादी होने जा रही है। वह एक बार शादी कर चुकी है और एक बार लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुकी है। राजस्थान की रहने वाली और कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट लेडी डॉन अनुराधा के घर का नाम मिंटू है। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद अनुराधा के सर पर सिर्फ पिता का साया ही बचा था। आर्थिक हालत कमजोर होने के चलते पिता कमाने के लिए बाहर चले गए, जिसके बाद अनुराधा पढ़ाई में तेज थी तो उसने BCA जैसी प्रोफेशनल डिग्री हासिल की।
इसके बाद नॉर्मल जॉब करना उसका एम्बिशन नहीं था, इसलिए शादी के बाद अनुराधा और उसके पति फेलिक्स दीपक मिंज ने सीकर में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर लोगों के लाखों रुपए ट्रेडिंग में लगवा दिए। अचानक उसका धंधा चौपट हुआ और करोड़ों के कर्ज में वह डूब गई। कर्ज खत्म करने के लिए उसने जुर्म का रास्ता चुना, जिसके बाद उसने अपने पति को भी छोड़ दिया। बिजनेस में हुए नुकसान के बाद कर्जदारों को पैसा वापस लौटाने का दबाव बना तो वह हिस्ट्री शीटर बलबीर बनोड़ा के जरिए कुख्यात अपराधी आनंद पाल सिंह के संपर्क में आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद वह काला जठेरी के संपर्क में आई और तभी से दोनों साथ में रह रहे हैं। दोनों की गिरफ्तारी भी साथ में ही हुई थी। अनुराधा चौधरी की पूरी कहानी को हम इस वाले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यह शादी सच में एक शादी है या कोई प्लानिंग। इसके लिए तो फिलहाल हमको उसके शादी का इंतजार करना होगा। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।